Hey guys, assalamu alaikum, adab, sat sri akal, vanakkam, welcome back to the channel. Kaise ho, kya haal chal, kya chal raha hai? Welcome back to Nabeel Afridi Vlogs. Was it good? Let's go. Keys of Simba. बहुत दिन हो गया नहीं मोटो व्लॉग नहीं करके, तो करेंगे बोल के सोचा। शाम के 4:10 या 4:20 हो रहे हैं। एक सनसेट वाली छोटी एक 30-40 किलोमीटर की ड्राइव मार के आएंगे क्या गाड़ी पे? कभी चलाया नहीं मैं, बोल के सोच रहा हूँ, कर देंगे, उसमें क्या है, लेट्स गो। बट उससे पहले अपन सिम्बा पे काउल लगाएंगे। काउल मैं गाड़ी के साथ ही खरीदा, उसको PPF कराने दिए, जब काउल दे दिया था 2 हफ्ते नीचे, जब मैं गाड़ी वॉश कराने लेके गया, तो जब वापस मैं काउल ला लिया तो फिक्स करेंगे काउल को अपन सबसे पहले, उसके बाद निकलेंगे, लेट्स गो। माय मॉम डज दिस थिंग, क्या है, गाड़ी पे कपड़े सुखा रहे हैं हमारे घर वाले। सिम्बा कपड़े सुखाने का, हमारी कपड़े सुखा रहे हैं हमारे घर वाले। ऑल्सो द बाइक लुक्स वेरी क्लीन एंड नीट, वॉश कराए थे अपन कुछ दिन पहले, और कहीं भी कुछ भी ना, धूल ना मिट्टी ना कुछ, सिर्फ एक जगह पे ये क्या कि ब्लैक पार्टिकल्स आ गए गाड़ी पे, कैसा आए नहीं मालूम, ऐसा रब करे तो भी नहीं जा रहे हैं। तो वॉश करा के देखना है इसको, देखो ऐसा, अगर मैं खिकरा नेल से तो नहीं, फिर भी नहीं जा रहा, आखिर ये क्या लगा क्या नहीं लगा समझ में नहीं आ रहा, PPF फाड़ देना पड़ता क्या? Also I have no one today with me. I am all alone with a camera, with GoPro, with Insta360, सारी चीज़ें फिक्स करके निकलेंगे घर से। वैसे टाइम भी खत्म हो रहा, सनलाइट भी चली जाती, 15 से 20 मिनट में अपन निकल जाना घर से, तो तभी सक्सेसफुली जाके आ सकते, नहीं तो इफ्तार का टाइम हो जाता, पक हो जाते। चलो जल्दी काउल फिक्स करेंगे। काउल इज हियर, ये देखो आप लोग देख सकते काउल, हमारा प्यारा प्यारा काउल, इस पे भी PPF हुआ, आई कैन फील इट। और ये काउल फिक्स करने के लिए अपने को एलन कीस होना, जो कि यहाँ पे है, ये सबसे बड़े वाला जो है, ये अपन यूज करके फिक्स करेंगे काउल। इसके अंदर गिर गया, इसको निकालता हूँ। अब वो नट को अपन अंदर वैसे छोड़ दे तो सकते, मगर खड़खड़ खड़खड़ खड़ आवाज आती शायद मेरे ख्याल से। ये देखो लग गया हमारा काउल, दिस इज हाउ इट लुक्स। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी रहती, अपन लिखा लेके आते, कुछ भी करने गए तक क्या की हो जाता, तो अपन कॉल बिठाने गए, जल्दी जल्दी में आप लोगों को दिखाएंगे, वो नट ऐसा खोल रहे, सो सेटिस्फैक्शन के जैसा दिखता बल के समझा, वो नट उसमें गिर गया। अब वो बोल्ट जो उसमें गिर गया, सलमान भाई को फोन करके पूछा मैं क्या करूँ, वो बोल्ट का अंदर चले गया, कुछ भी गड़बड़ होती क्या, बोले तो नहीं कुछ भी नहीं होता नबील भाई, एक स्टिक का मैग्नेट मिलता उससे कोशिश करो निकलने की, अगर बोल्ट दिख रहा तो निकल के आ जाता, वरना वैसे ही थ्रेड वाला और एक बोल्ट ले लेके डाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, बोले तो ठीक है। आई होप कि वो बोल्ट अपन जाते खुद या रुकते खुद आवाज़ नहीं करना, खिड़की 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 बोल के गिर गया तो भी अच्छा है, आवाज़ नहीं करना, आई होप इट डजेंट मेक एनी Noise. But that's it, अपन कॉल बिठा लिए, इट लुक्स अमेजिंग, द बाइक लुक्स सो सेक्सी विद द कॉल। अभी एक सीट वाली गाड़ी बन गई अपनी, दूसरी सीट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रखा ये है हमारी पीछे वाली सीट, वो जो ग्रिल है उसके साथ दो बोल्ट्स है वो, और ये सीट अच्छा बाजू लेके जाके रख देता हूँ, फिर ये घूम गए कर गए, वो बोल्ट ना चले गए तो परेशानी होती, बच्चे हैं हमारे घर में पहले। तो दैट्स इट गाइस, एक 5 से 10 मिनट में मैं फ्रेश अप होके निकलता हूँ घर के पास से, लेट्स सी, अपने पास कुछ तो टाइम है, जितना टाइम अपने पास है उतने टाइम के लिए एक छोटी राइड जाके आएंगे, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेट्स गो। हाय गाइस, जो गलती नहीं होना समझा वही छुई, कल की मेहनत पूरी पानी में चले गई यारो। कल मैं घर के पास से 5:20 को निकला, 6:20 तक कोम्माला टोल प्लाजा पे 6 बजे के आसपास था, एक घंटे के रास्ते को मैं आधा घंटा 20-25 मिनट का रास्ता बना के जल्दी वहां तक गया, जाते जाते इतना 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 शूट करा, इतने 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 बातें बोला,
वहाँ पे जाके मैं जब आउट्रो शूट कर रहा था गोप्रो से, ये वीडियो देखो आप लोगों को मालूम होता। शाम के बज रहे 6:50 और मैं गोप्रो ऐसा हेलमेट को लगा के आउट्रो शूट करेंगे बल्कि सोच रहा था, यहाँ पे आया यहीं पे थोड़ी देर ठहरा, आउट्रो रिकॉर्ड करेंगे बल्कि समझ के गोप्रो उस पे लगा के रिकॉर्ड दबाया, दबाते कि फॉर्मेट करो कार्ड बोल रहा। अब मैं 2-3 बार मेमोरी कार्ड निकाल के फिर वापस गोप्रो में डाल रहा तो आ रहा ही नहीं वो, फॉर्मेट करो बोल रहा। इसीलिए मैं नीड गोप्रो को बंद कर दिया, बिकॉज जो मैं घर से यहाँ तक जो मैं बात कर लेते आया भाई, दिल खोल के बहुत जबरदस्त राइड थी, बहुत जबरदस्त बात करा मैं, तो वो पूरा डाटा कहाँ चले जाता कि बल्कि ऑफ करके रख दिया, बिकॉज घर पे जाके कार्ड रीडर को लगा के सीधा कॉपी करना है। एंड आई होप कि कॉपी हो डाटा, कॉपी नहीं हुए तो आज का वेस्ट हो जाता व्लॉग, वहां से यहाँ तक आए सो बात करे सो पूरा वेस्ट हो जाता। जब मैं आउट्रो शूट करने के लिए ऐसा रिकॉर्डिंग बटन दबाया, दबाते कि एसडी कार्ड एरर बोल के बता के पूरा कार्ड करप्ट हो गया। कई को होने मालूम जल्दी जल्दी क्या करा, कार्ड निकाल के फिर डालो, फिर भी एसडी कार्ड एरर बता रहे, इसकी माँ का क्या हुआ रे भाई। एटलीस्ट यहाँ तक जो आया मैं इतने बातें करा, ये फुटेज तो भी रहना, घर पे लेके जाके सीधा सिस्टम को लगा के कॉपी करेंगे बोल के समझा। गोप्रो को वैसे बाजू रख के फोन में आउट्रो शूट करा, थोड़ा बहुत बात कर लिया, उसके बाद आ गया घर पे, आके देखे तो इसकी माँ का कंप्यूटर में भी फॉर्मेट बता रहा था। यूट्यूब पे देखा हो क्या कि सीएमडी एडमिनिस्ट्रेशन बना के क्या कि मारो बोला उन्हें, F/डॉटा 2-3 मारा, मारते कि हाई सो फॉर्मेट हो गया इसकी पूरी फुटेज चली गई। अब कैसा भी बात करा मैं, इतने बातें करा, उसमें से थोड़े इंपॉर्टेंट बातें याद है, वो बातें करके व्लॉग डाल ही देंगे किसी हाल में मैं, बिकॉज एडिटिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे बल्कि बैठा तो बना कैच रहेंगे बल्कि मैं। ये नेगेटिविटी मेरे पीछे पड़ के है बोल ऐसा दिख रहा मेरे को, कहीं को बोले तो कल गोप्रो का कार्ड खराब हुआ ना, अब भी बस थोड़ी देर पहले ये कैमरे का मेमोरी कार्ड भी एरर बता रहा था मालूम। अरे व्हाई ब्रो, व्हाई ओनली मी। आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम Amazon, लेट्स अनबॉक्स इट। मोटुल क्या बोलते हैं इसको, मोटुल का चेन लूब, और ये है मोटुल का चेन क्लीन। तो चेन क्लीन करना और चेन का लूब, ये दो चीज़ें हमारी गाड़ी जब सर्विस हुई उन्होंने आके मार के गए सलमान भाई, उन्होंने बोले ऑर्डर कर लो नवील भाई, ऑर्डर करके हर 500 किलोमीटर पे आपको ये चेन स्प्रे मारना रहता बोल के बोले, तो मैं परसों ऑर्डर करा, तो अभी उनको फोन करता हूँ, फोन करके पूछता हूँ क्या करना है। पैडॉक अंदर से ला लेंगे, पैडॉक चढ़ा लेंगे गाड़ी, फिर ये चेन क्लीन और चेन लूब दो भी मारेंगे। चलो पैडॉक एक बार मैं यूट्यूब करके देखता रुको, यूट्यूब पे उन बताता शायद कैसा लेना एग्जैक्टली पैडॉक पे, थोड़ा दम हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ही छेवी है गाड़ी, 300 किलो की है ना, 280। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, छोटा डाउट। पैडॉक पे चढ़ा लिया मैं, अभी चेन लूब है, चेन क्लीन है, पहले क्या मारने का? चेन गंदी है क्या? चेन गंदी, एक सेकंड देख रहा हूँ, नहीं चेन गंदी नहीं है, चेन वैसी है, गोल्ड गोल्ड है बाजू से और बीच में काली। ठीक है ना, फिर क्लीन करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो लूब मारू सिर्फ? सिर्फ लूब मार दो। हाँ, सिर्फ चेन लूब फर्स्ट गियर में डाल के चेन के बीच में मारना है ना? बीच में नहीं, साइड से मतलब गोल्ड वाले साइड से। और सब खैरियत ना भाई? ऑल गुड। चलो आप हमारे व्लॉग पे आ रहे हो, ऑडियंस को सलाम करो। अभी घर के सामने वीडियो बन रहा है ये सब। चलो ठीक है, ख्याल रखो भाई, चेन लूप मारना है, चेन क्लीन करना नहीं है, बिकॉज चेन साफ है, चेन लूप मारेंगे अपन खाली। ये लोग हमारे घर के गेस्ट हैं, देखो WMC वाले पूरे आगे, पानी खाना पूरा हमारा घर एक रेस्टोरेंट है छोटा, सबके लिए वी आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे और 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद करेंगे। डालेंगे टायर घूमने लगता, उसके बाद इधर बाजू से उधर बाजू से चेन लूप मारेंगे। इसके साथ वो बड़ी गाड़ी आती मगर वो और एक ढक्कन क्या क्या आता है ये वो बोल रहे हो ना, अपने पास सिर्फ यही छे, ये छोटे ढक्कन से मैनेज कर लेंगे बना। डन। वाह वाह भाई वाह, सुपर।